तो कालका से बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा नामांकन दाखिल करने के बाद जब मीडिया से मुखातिब हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। से आज आप नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? कि नॉमिनेशन करने आना था तो उसमें मुझे नहीं लगता इसकी ऐसी कोई बात है। पेपर फाइल करने थे, मैं अपने परिवार के साथ आई हूँ और हमारे जो प्रपोजल्स हैं उनके साथ आई हूँ। हाँ जी, देखिए जो हमारे साथी हैं उनका तो उत्साह है ही, तो उनको लेकर हम रोड शो करेंगे और फिर माता का आशीर्वाद लेंगे। ये हमारा ऑफिस है, कैंप ऑफिस है, वहाँ से हम शुरू करके महामाई के मंदिर तक जाएंगे, उनका आशीर्वाद लें। नहीं जी, सीएम साहब नहीं आ रहे हैं। लगातार लोगों का प्यार समर्थन मिल रहा है, कल बारिश के बावजूद भी लोग काफ़ी तादाद में जो है आपके साथ चल रहे थे, क्योंकि कल बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी लोगों का प्यार जन समर्थन जो है वो देखने को मिल रहा था। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, बहुत लोगों का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, साथ मिल रहा है और मैं इसी तरह से इस कैंपेन को आगे लेके जाना चाहती हूँ। लोगों में बहुत हर्षोल्लास है और बहुत प्यार मिल रहा है पूरे कालका हलके से, और ऐसा उत्साह मैंने पहले नहीं देखा। और अगर आप आए होंगे तो आपने देखा होगा कि हर तरफ लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है पूरे शहर के अंदर। सुबह से शुरू होकर चाहे मौसम कैसा भी हो, देर रात तक, जिस तरह कल भी हमने देखा कि लोग काफ़ी देर से इंतजार भी कर रहे थे, मिलने को उत्सुक नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से सबका पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने हर्ष और उल्लास के साथ, उत्साह के साथ लोग अपना समर्थन दे रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और जनता का जो ये प्यार और आशीर्वाद है वह मुझे निश्चित तौर पे उनको बिल्कुल आने वाली 5 तारीख को एक सफल रिजल्ट देगा। तो आपको बता दें, कालका से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। कालका से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने नामांकन दाखिल किया, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। कालका से लोगों का समर्थन मिल रहा है, शक्ति रानी शर्मा की ओर से कहा गया। उन्होंने साथ ही आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा की ओर से भी बयान सामने आया, सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से भी बयान सामने आया। तो कालका से बीजेपी उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तो ये बड़ी खबर कालका से इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। शक्ति रानी शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया है और ये तस्वीरें जहां पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। और हमारे साथ न्यूज रूम से सीनियर डिप्टी